सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज आप लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 83 पर। यस गाइज, कल मैंने आपको सेट नंबर 82 कराया, आज बारी है सेट नंबर 83 की, जो कि आपका BSRB कलकत्ता बैंक एग्ज़ाम 1997 में आया हुआ है। बहुत शानदार, बहुत ही खास। कह रहे हैं कि जगदीश मेट मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द फैक्ट्री। गाइज, सबसे पहले सेंटेंस को करने से पहले आप ये मेरा रामबाण रूल अपने पास रखिए कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, और पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में चलेगा। सबसे पहले सेंटेंस का आपको यही फॉर्मेशन चेक करना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर सेंटेंस की, तो सबसे शुरू में उसने लगाया मैट, जो कि मीट की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। उसके बाद लगाया डिड नॉट, जो कि क्लियर आपको पता है सेकेंड फॉर्म में पार्ट में चल रहा है। सी पार्ट में उसने लगाया ही हैज़, जो कि प्रेजेंट में है गाइज, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन रॉन्ग हो गया। सेंटेंस या तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा या सेंटेंस पूरा आपका पार्ट में चलेगा, दो सेंटेंस के फॉर्मेशन आपके एक साथ नहीं चल सकते। यहाँ सी पार्ट में ही हैड करना होगा तो यह सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अन्यथा यह सेंटेंस आपका रॉन्ग ही बना रहेगा। इस गाइस, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है एरर। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट, सेकंड फॉर्म इंडिकेटेड का इस्तेमाल किया। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट सेकंड फॉर्म द इश्यू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द डिग्री कॉलेज वर हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। द इश्यूज, ये नया आपका सब्जेक्ट है, द इश्यू ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी, इसको कट कर देंगे क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले को हम कम से कम कुछ नहीं मानते हैं। उसके बाद में ऑफ टीचिंग, इसको भी कट कर दीजिए, प्रपोजिशन वाले को हम सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। इन द कॉलेज, इसको भी कट कर दीजिए, प्रपोजिशन वाले को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। द इश्यू के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। द इश्यू, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आनी थी, यानी कि आपको वर्ब का नहीं यहाँ पे वोज का इस्तेमाल करना था। यस गाइस, ये भी सेंटेंस आपका पार्ट में चल रहा था, तो ये रामबाण रूल देखना आप कितने सेंटेंसेस में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना था, वॉज का, ना कि वर का। अगला है कि दिलीप हैज स्पेंड, ये तो गाइस सेंटेंस शुरू में ही रॉन्ग हो गया है। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया हुआ है कि हैज़ की फैमिली के साथ में हैज, हैव, हैड और हैविंग। हैव की फैमिली के साथ में, जिसमें आपके चार वर्ड आ रहे हैं, हैज, हैव, हैड और हैविंग, के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन यहाँ जो उसने सेंटेंस बनाया, दिलीप हैज स्पेंड, स्पेंड आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आपको इसकी थर्ड फॉर्म स्पेंट का इस्तेमाल करना था, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि इस सेंटेंस की हो गई है पहले ही पार्ट में आपके एरर। बाकी सेंटेंस आप आगे देखिए, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, बट स्टिल ही डज नॉट नो मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। सेंटेंस आपका पूरा चल रहा है प्रेजेंट में, ये आपका करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले ही पार्ट में मिस्टेक। आगे बढ़े गए सेंटेंस नंबर फोर्थ पे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया है कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ निश्चित संख्या के लिए, अ नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या के लिए। यहाँ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। यस गाइस, इन बातों को ध्यान रखिएगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया आर, गाइस यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, आर नहीं, आपको इसका इस्तेमाल करना था, तो यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके बिल्कुल प्योरली एरर। नेक्स्ट कह रहा है कि अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इन टू द स्टडीज यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। जब तक आप पढ़ाई में नहीं लोगे इंटरेस्ट, तब तक आप कामयाब नहीं होगे, कहना चाह रहा है। कह रहा है कि अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इन टू स्टडी, सबसे पहली बात तो गाइस ये कि इंटरेस्ट के साथ में प्रपोजिशन इन टू का नहीं इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका करते हैं इस्तेमाल, इन का। इंटरेस्ट के साथ में हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं, इन टू का नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही है, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपको अब एरर दिख गई होगी मेरे कहते हिसाब।
इंटरेस्ट के साथ में जो फिक्स प्रपोजन है वो आपकी चलती है इन, सबसे पहली गलती है। दूसरी बात, इंटरेस्ट को देखते हुए आपको यहाँ इससे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल भी करना होगा। टेक एन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना। सो गाइज, इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है, वो भी एक साथ दो, हालांकि अगर आपने एक भी फाइंड कर ली तो आपका काम हो गया। सेंटेंस नंबर फिफ्थ में एरर हो जाएगी बी पार्ट में। आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग टू बी रिजोल्व टू बी सोल्व इन इंडिया। आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका आफ्टर 50 ईयर्स प्रपोजिशन बेस्ड है। ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी आपका प्रपोजिशन के बाद वाला है। मैनी सोशल प्रॉब्लम, सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ आपका, मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग। गाइस अगर आप बात करें यहाँ पे मैनी सोशल प्रॉब्लम्स के बाद में उसने डायरेक्ट लगा दिया आईएनजी फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना था इधर मार में से किसी एक का। आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स आर स्टिल रिमेनिंग टू बी रिसोल्व इन इंडिया, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, जो कि साफ दिख रही है मेरे को। अगला सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पे कह रहे कि द मैनेजर हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। द मैनेजर हैज डिसाइडेड, मैनेजर के लिए उसने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करा, जो कि ठीक है। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ पोर्शन। टू विजिट, वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है टू, और उसके बाद वाली फॉर्म रहती है फर्स्ट फॉर्म में, ये भी आपका पोर्शन ठीक हुआ। ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू ऑफ, गाइस यहाँ पे जो गलती है वह आपकी रिव्यू के साथ ऑफ की। देखिए रिव्यू का मतलब ही होता है कि इसको जाँच करना, देखना, इसके साथ में ऑफ का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस में डी पार्ट में हो गई है आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि लास्ट वीक, सेंटेंस में जब भी कभी लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल करें तो समझो आपका सेंटेंस पास्ट में चलना है। किस में चलना है? पास्ट में, और भी प्योर पास्ट, यानी कि सेकेंड फॉर्म के साथ में। किस में चलना है? सेकेंड फॉर्म के साथ में आपका सेंटेंस चलेगा। कह रहा है कि लास्ट वीक, ये सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। व्हेन, लास्ट वीक व्हेन, उसके बाद में आई, रीच नहीं, आपको आई रीच्ड का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइस यहाँ पे आपका रीच की जगह रीच्ड होगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ओके गाइस, क्योंकि आगे वाला पोर्शन आपका करेक्ट चल रहा है, सेंटेंस के बी पार्ट में रीच की जगह रीच्ड करना होगा, तो आपका सेंटेंस होगा करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। सो गाइस ये एक सेट था जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही 8 थे, ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए गए। जनरली सेट में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन थे, तो 8 भी हमने बात फिनिश करी अपनी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेट में आपसे कल, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा गाइस। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इसी तरह से अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा गाइस, व्यूज देते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, कम से कम आप सभी अपने एक एक फ्रेंड को शेयर करते हैं तो भी काफ़ी है गाइस मेरे लिए। तो फिलहाल तो चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।